फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाइयों मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा प्रीमियर लीग फुटबॉल का लीड्स वर्सेस आर्सेनल के बीच 1 घंटे 41 मिनट बाद। तो बात करूं भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप से बाद कहां मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एवी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आगे। आज मैं शेड्यूल पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि इतने सारे मैच हैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा शेड्यूल पोस्ट की मैं कौन सी टीम ओपन दूँ कौन सी नहीं। तो जौन सी भी टीम ओपन दूंगा आपको पहले ही बता दूंगा। तो इस ये जो मैच होने वाला है इसकी टीम आई थिंक मैं आपको ओपन दे दूंगा, इसलिए टेंशन लेने की आपको एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं आगे। तो बात करूँ अगर मैं इस मैच की, 2 घंटे बाद मैच है तो इंटरेस्टिंग मैच है। लीड्स तो आपको बताइए कितनी ज़्यादा लीडिंग पे है टीम, और आर्सेनल भी। जब दो आमने सामने बराबर की टक्कर की टीम हो ना, तो मैच कवर करने में अलग ही मज़ा आता है। कोई भी जीतेगा इस मैच में। अगर आर्सेनल गोल करना जानती है तो लीड्स बच्ची नहीं है, लीड्स बहुत खतरनाक टीम है। और लीड्स हो गई, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल एंड एक है सीएचई, ये तीनों ये चारों टीम्स मेरी फेवरेट हैं। मतलब मैं बहुत लगाव है मुझे इन चारों टीम से, और जब मैं इनका मैच होता है मेरी इन्वेस्टमेंट पक्का रहती है। लेकिन इस मैच में इन्वेस्टमेंट लेस होनी चाहिए आप लोगों की, ध्यान से सुन लो, क्योंकि दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है। तो बीच में सबसे ज़्यादा पंगा पड़ना है इस सेक्शन में, जो कि डिफेंडर सेक्शन, डिफेंडर हद से हद ज़्यादा उठाने पड़ेंगे। बात करूँ गोलकीपर की तो बी लेनो, इस मैच में गोलकीपर आपके लिए कुछ मायने नहीं रखेगा। अब आप पूछोगे कैसे, दोनों के प्लेयर गोल करने में माहिर हैं और इनके जो गोलकीपर हैं इनको एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है गोल रोकने का, और ये कम से कम शॉट ऑन टारगेट करेंगे दूसरे के और अपने लिए गोल सेफ के पॉइंट अर्न करेंगे। और कम से कम इनके अगर कोई टीम जीती है उसको 20 पॉइंट फालतू मिलेंगे गोलकीपर को लास्ट में क्लीन शीट के। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं दोनों टीम्स में से अगर मैच आई थिंक ड्रॉ भी होता है, दोनों टीम के दो दो गोल भी होते हैं, एक एक गोल भी होते हैं, तब भी इनके गोलकीपर के पॉइंट 30-40 रहने वाले हैं, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इसलिए गोलकीपर इज़ वेरी सेफ। और बात करूँ डिफेंडर की तो जी मैगलेस पहले थोड़ा नीचे हुआ करता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर लगने लग गया, क्योंकि आज की जगह मैं आर होल्डिंग को भी काफ़ी बार ट्राई करता था। लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करूँ तो आधो आध का फ़र्क आ रहा है, जी मैगलेस इससे ट्रिपल गुना बढ़िया है भाइयों। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर जिसका नाम है हेक्टर बेलरिन। हेक्टर बेलरिन जो प्रीवियस मैच हुआ था इनका मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, उसमें आर्सेनल ने काफ़ी बढ़िया खेला था, लेकिन पिछले मैच बहुत हैरान कर गया मुझे। 9 नवंबर का पिछला मैच जो कि इनका मैच AVL के साथ था, AVL के सामने ये जो जितने प्लेयर्स हैं इनके फ्लॉप चले गए। मैं हैरान यार AVL की टीम आर्सेनल को कैसे हरा गई। लेकिन देखा जाए फुटबॉल में कुछ भी हो जाता है यार, मतलब कुछ भी। और आगे से बात करूँ यहाँ सुनूंगा एल एलियंग को। अब एल एलियंग की बात करूँ तो लीड्स टीम जो कि लगातार विनिंग स्ट्रीक पर चलती आती है, लेकिन पिछले मैच में इनको लिसेस्टर सिटी के आगे घुटने टेकने पड़ गए। सही बता रहा हूँ, लिसेस्टर सिटी जो टीम है LEI, वो उनके सामने भाइयों लीड्स थोड़ी बोल गई थी, मैंने देख लिया था, बिल्कुल जोर में नहीं थी। पर आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की जिसका नाम है स्टुअर्ट डेलस, जो कि भाइयों हर बार मेरी टीम में रहता है, इवन सिंगल टाइम भी मैंने इसको ड्रॉप नहीं करता। आज के मैच में ज़्यादा लोगों की टीम में नहीं रहने वाला, यू हैव चांस भाइयों, चांस है आपके पास इसके इसको अपनी टीम में रखने का। आगे से बात करूँ एल कूपर को भी ट्राई कर सकते हो, जबरदस्त प्लेयर है कूपर, गोल वगैरह भी कर देता है। और आगे से मैं लेने वाला एक और प्लेयर आर कोच काफ़ी ज़्यादा नीचे है। देखो मेरे पास कोई भी क्रेडिट इशू नहीं है, मैं चाहूँ बड़े से बड़ा प्लेयर ले सकता हूँ कौन सा चाहिए, लेकिन दिमाग चलेगा यहाँ पे क्रेडिट कुछ नहीं करने। अगर आप चाहो मैं यहाँ से बड़ा कोई भी प्लेयर ले सकता हूँ, आपके सामने है, लेकिन मैं डाउन इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आर कोच को इतने लोगों ने नहीं लिया टीम में, और हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकता है। अगर लीड्स जीतती है फिर भी हम जीतेंगे, आर्सेनल जीतती है तो भी जीतेंगे, क्योंकि क्लीन शीट के पॉइंट डबल मिलने हैं। बात करूँ मिडफील्डर की तो यहाँ से लूँगा एम क्लिच बहुत बढ़िया प्लेयर है, ये आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक है आज के मैच के लिए, और काफ़ी लोग इसके साथ जाएंगे भी मेरे को पता है। और इसने लिवरपूल के आगे ना लीड्स हर बार चलती है, लिवरपूल हो गई, FUL हो गई, मैनचेस्टर सिटी के सामने तो बराबर की टक्कर, AVL के सामने भी टक्कर है, लेकिन आज जो आर्सेनल के साथ मैच है अलग ही मैच है। जे हैरिसन की बात करूँ, जे हैरिसन जो कि इवन हर मैच में ड्रीम टीम का बैच मिलता है इसको, मतलब बहुत कम मैंने देखा होगा कि इसको ड्रीम टीम का बैच ना मिले, क्योंकि इसका GL में भी मेन रोल है, स्मॉल लीग में भी मेन रोल है। और आगे से बात करूँ बी साका मुझे इतना खास प्लेयर नहीं लगता, मैं तो इसको आराम से भी मैं ना अभी चाहूँ मेरे को कि बोले ना ड्रॉप करके विलियन लेना है तो मैं अभी विलियन ले लूँगा, लेकिन लाइनअप में एक बार विलियन होना चाहिए, क्योंकि विलियन काफ़ी ना मेरे को अजीब नगले लग गया, शुरू में बहुत चलता था लेकिन बेचारे को ना एक्स्ट्रा मौका नहीं मिल रहा, उस कारण मैं आर्सेनल के बी साका के साथ जा रहा हूँ। और आगे से आप ले सकते हो एच कोस्टा को, लीड्स का ये भी टॉप का प्लेयर है। बाकी चलते हैं आगे। बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की तो यहाँ से लूँगा पी एबोमैंग हर बार मेरी टीम में रहता है, काफ़ी लोग इसके साथ जाएंगे, इसको कैप्टन रखेंगे, आप मत रखना, क्योंकि मैं जो इसकी जगह कैप्टन रखूँगा वो है पी बैमफोर्ड का। अगर आप रिकॉर्ड देखो हर मैच में क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, आपके सामने है। और इसने जो AVL को मैच हुआ था और AVL के सामने इसने 3 गोल मारे थे और उसमें से 4 शॉट ऑन टारगेट,
जबरदस्त प्लेयर है यार, मतलब कुछ है ही नहीं बोलने को। बात करूँ आगे चल के कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन मेरा रहने वाला है बी पैम्फोर्ड एंड वाइस कैप्टन पी एबोमेंग। अगर आपको सेव जाना है तो आप कॉम्बिनेशन को रिवर्स कर सकते हो, मैं तो ये गलती करूँगा नहीं क्योंकि भाई मेरे को पता है लीड्स टीम स्ट्रॉन्ग है, हार गई वो अलग बात है यार देखो, लेकिन अपने दिल की मैं करता हूँ तो ये भाई मेरा जो दिल कह रहा है लीड्स के जीतने के चांसेस 60% है, 40% आर्सेनल के। तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।